भक्तों, सत्यवान उसके इर्द गिर्द घूम रही है गाथा ये। सत्यवान की मृत्यु, एक वर्ष शेष है उसके जीवन का, एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान भावी राजा है, उसके अंदर सारे गुण हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, बहुत सी संभावनाएं हैं, पर वो सारी संभावनाएं एक वर्ष बाद खत्म हो जाएंगी, वो संभावनाएं संभव नहीं हो पाएंगी उसके बाद। ठीक ऐसे ही तो हर मानव के साथ है। वह कहते हैं कि सत्यवान संपूर्ण मानव जाति का, मानव का द्योतक है, क्योंकि मानव के भीतर भी असीम क्षमता है, असीम ऊर्जा है। उसके भीतर इतनी क्षमता है कि वो अपने भीतर, उसके भीतर ही वो महामानव, वो ब्रह्म प्रकट हो सकते हैं। ऐसी क्षमता, ऐसा पोटेंशियल है उसका। ही इज अ डिवाइन बीइंग। लेकिन वो उसकी संभावना संभव कैसे होगी? संभव तब होगी जब उसे इस जीवन के रहते वो युक्ति मिलेगी। उसकी सारी संभावनाएं जो हैं वो मृत्यु से बद्ध हैं। एक दिन मृत्यु आएगी और सारी संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाएगी। अब वो मृत्यु किस दिन आ जाए हम में से कोई नहीं जानता, हमें नहीं पता किस दिन आ जाए वो मृत्यु। इसलिए इस जीवन के रहते उस युक्ति को पाना है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की वो युक्ति क्या है, कैसे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाए, उसके लिए सावित्री को आना होगा। सावित्री क्या है? सावित्री क्या है? सावित्री वो दिव्य कृपा है, सावित्री वो दिव्य ऊर्जा है, सावित्री वो बल है जिसे आत्म बल कहा जाता है, और वही बल है जो असंभव को संभव कर सकता है।